पांच टेरर हैंडलर्स जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बेस्ड है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है उनके खिलाफ़ हमने सीआरपीसी के तहत अटैचमेंट की कार्रवाई की है ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत। ये वो टेरर हैंडलर्स हैं जो 90 से लेकर आज तक पाकिस्तान में बेस्ड है और वहाँ से टेरर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। आज तक बारामुल्ला में ही तकरीबन 25 से ज़्यादा टेरर हैंडलर्स की प्रॉपर्टीज़, जिनकी कुल मालियत करोड़ों रुपए में है, प्रॉपर्टीज़ को हमने अटैच किया है। हमारा मकसद यही है कि ये जो टेरर हैंडलर्स हैं जो पाकिस्तान में सेफ हेवेंस में बैठकर यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं, देखिए आज जो है बारामुला पुलिस के पुलिस स्टेशन क्रीरी के हदूद में पांच टेरर हैंडलर्स जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बेस्ड है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है उनके खिलाफ़ हमने सीआरपीसी के तहत अटैचमेंट की कार्रवाई की है ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत। ये वो टेरर हैंडलर्स हैं जो 90 से लेकर आज तक पाकिस्तान में बेस्ड है और वहाँ से टेरर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, टेरर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वादी कश्मीर में जो है टेररिज्म फैलाने के मंसूबों में शामिल हैं। इन टेरर हैंडलर्स को सबसे पहले तो पुलिस ने जो है अपने एक्सरसाइज के तहत आइडेंटिफाई किया और फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई किया गया और फिर ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत इन प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया। आज तक बारामुल्ला में ही तकरीबन 25 से ज़्यादा टेरर हैंडलर्स की प्रॉपर्टीज़, जिनकी कुल मालियत करोड़ों रुपए में है, प्रॉपर्टीज़ को हमने अटैच किया है। हमारा मकसद यही है कि ये जो टेरर हैंडलर्स हैं जो पाकिस्तान में सेफ हेवेंस में बैठकर यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनको ये मैसेज दिया जाए कि भले ही वो पाकिस्तान में बैठे हैं लेकिन हमारे कैपेसिटीज़ में जो भी कानूनन प्रोविजंस है उनका इस्तेमाल करते हुए हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि हम उनकी गतिविधियों को रोकें और उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको डैमेज करें।